नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। आप देख रहे हैं प्राइम पब्लिक और सरकार, जिसमें हमारे संवाददाता जिले जिले, क्षेत्र क्षेत्र और विधानसभाओं में जाके बात कर रहे हैं जनता से और जान रहे हैं उनका मूड क्या है, आने वाले चुनाव में किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, किन चीजों से खुश है और किन चीजों से नाखुश है जनता, सभी चीजों के बारे में बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता। तो आज किन मुद्दों पर बात हुई है और किसकी सरकार बनाना चाहती है जनता, देखिए। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं और प्राइम टीवी टीम तमाम जिलों को घूमने के बाद इस वक्त गोरखपुर पहुंच गई है। और आपको बता दें कि गोरखपुर को आज देश भर में दो चीजों की वजह से जाना जाता है, पहला गोरखनाथ मंदिर और दूसरा सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की वजह से। आपको बताना चाहेंगे कि गोरखपुर के अंदर में 9 विधानसभा सीटें आती हैं और यहाँ 5वें चरण में मतदान होना है। तो आज और हमारे सहयोगी स्थानीय जो संवाददाता हैं हिमांशु श्रीवास्तव जी, संयुक्त रूप से लोगों के बीच जाएंगे और लोगों के विचार जानेंगे कि आखिर क्या विकास कार्य इन 2017 से और 2022 के बीच में किया गया है और साथ ही साथ क्या आशा अपेक्षा लेकर इस चुनाव में लोग मतदान करेंगे। तो आइए चलते हैं कुछ लोगों के पास और उससे पहले हम गोरखपुर सदर सीट पे खड़े हैं जहां से सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बार चुनावी मैदान में हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत। अच्छा हिमांशु जी, हमें ये बताएं कि जो गोरखपुर सदर की सीट है, यहाँ का क्या पिछला इतिहास रहा है और क्या किसका गढ़ रहा है? देखिए, गोरखपुर सदर की जो सीट है वो बीजेपी की सीट रही है और शुरू से ही, चूंकि गोरखनाथ मंदिर जो महंत योगी आदित्यनाथ जहाँ से आते हैं, 5 बार के सांसद रहे हैं और इस समय सीएम हैं, यहाँ सीएम रहते हुए ही वो सांसद होते हुए सीएम बने हैं और इसके पहले ये विधान सभा या विधान परिषद से एक में से होना चाहिए, तो विधान परिषद से अब पहली बार जहाँ से 2002 से अब तक यहाँ के विधायक, नगर विधायक जो काफी लोकप्रिय हैं राधा मोहन दास अग्रवाल, उनकी सीट पे उतरे हैं और यहाँ से विधायकी लड़ रहे हैं। अगर बात करें जातिगत आंकड़े की, तो कौन सी जाति इस गोरखपुर सदर सीट पर है और क्या किससे मुकाबला हो सकता है? देखिए, गोरखपुर सदर सीट पे करीब 35,000 के आसपास निषाद वोट है और 95,000 कैस्ट वोट है। कैस्ट वोट का दबदबा है जिसे पूरी तरह से, बाकी जातिगत समीकरण में ब्राह्मण भी हैं, क्षत्रिय भी हैं, लेकिन जिसका पूरा पूरा योगदान होता है बीजेपी गवर्नमेंट बनाने में, सीएम का सबसे बड़ा जो योगी आदित्यनाथ का पावर है वो है कायस्थ वोट। अच्छा, अगर बात करें तो यहाँ के एक विधायक है राधा मोहन दास अग्रवाल, उनका क्या इतिहास रहेगा, उनके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। राधा मोहन दास अग्रवाल जो कि 5 बार से यहाँ पे विधायक रहे हैं, सिटिंग विधायक रहे हैं, अब भी है और इन्हीं की सीट पे सीएम योगी आदित्यनाथ इस बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले वो विधान परिषद से रहे हैं, पहली बार वो विधानसभा लड़ेंगे। तो आइए चलते हैं और लोगों से अब बात करते हैं, जानते हैं कि उनके विचार में क्या है और 2017 से और 22 तक के जो भाजपा गवर्नमेंट जो रही, जो सत्ता में आई, उनके द्वारा जो विकास कार्य या जो भी किए गए हैं उनसे वो कितने खुश हैं और अगली सरकार से क्या आशा अपेक्षा रखते हैं। तो इसी कड़ी में हमारे साथ एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग से शुरुआत करते हैं। आप अपना नाम बता दें दादा। नंदलाल मिश्रा। अच्छा, अगर बात की जाए तो 2022 की रेस चल रही है, कौन जीतेगा? अब है तो दोनों का, लेकिन ज्यादा हवा अखिलेश यादव का है। अखिलेश यादव का है। हाँ। वही अगर इस सीट की बात की जाए तो इस सीट पर किसका दबदबा है और कौन जीतेगा? अब सदर की बात नहीं कर सकते हैं, लेकिन हमारे सहजनवा क्षेत्र से यशपाल रावत खड़े हुए हैं, उन्हीं का है। किस पार्टी से आप? समाजवादी पार्टी से। और बात की जाए तो गोरखपुर सदर से जो देश के सूबे के मुखिया हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उनका क्या हाल रहेगा? भाई सदर में तो उनका दबदबा है ही है, गोरखपुर में उनका तो भाई सदर सीट है ही है, उनका दबदबा है ही है। अगर बात की जाए तो 2017 से अब 22 तक जो सरकार रही भाजपा की, उसने कैसा काम किया, क्या रिपोर्ट कार्ड दी? गोरखपुर में तो काम हुआ है, योगी आदित्यनाथ क्योंकि गोरखपुर के थे तो जो भी किए हैं अच्छा ही किए हैं, ये बात जी। देखिए, आइए कुछ और। हाँ, जी। कुछ हम आपको इस बारे में बता दें कि सदर जो सीट है, शहर के वाले में आप जान लीजिए कि गोरखपुर में विकास हुआ है, बहुत तेजी से हुआ है डेवलपमेंट, इसको पूरी तरह से क्या क्या विकास कार्य हुए हैं? देखिए, यहाँ पे राजघाट का सौंदर्यीकरण हुआ है, इसके अलावा अशफाक उल्ला खां चिड़ियाघर बना है, तारामंडल है और नौका विहार है, वहाँ पे पर्यटन स्थल
के रूप में उसको विकसित किया गया है। इसके साथ रोडों का भी सुंदरीकरण हो गया है हर जगह, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में आप देखें वहाँ पे विकास कार्य नहीं है। अच्छा, गड्ढा मुक्त की बात करें तो चाहे मुखिया जो मुख्यमंत्री है, चाहे डिप्टी सीएम है, उनकी तरफ से गड्ढा मुक्त की बात की गई, उस पे क्या कहेंगे? और यहाँ पैचेज भी लगाए गए हैं। जी देखिए, गड्ढा मुक्त की बात है, शहर में तो फिलहाल पैचेस लगा के सही किए जा रहे हैं, कहीं कहीं आपको दिखेंगे, लेकिन इसके अलावा अगर आप बात कर दें तो ग्रामीण क्षेत्र में आप चिल्लू पार चले जाएं, आप सहजनवा चले जाएं, आप किसी भी नौ विधानसभा क्षेत्र में चले जाएं, आपको हर जगह गड्ढे मिलेंगे। जी तो आइए चलते हैं और लोगों से बात करते हैं कि आखिर उनके मुताबिक 22 की रेस कौन जीतेगा। आप अपना नाम बता दें। अभिषेक, साउथ ईस्टर्न रेलवे। जी, आपके मुताबिक 2022 की रेस कौन जीतेगा? वो शहर से ग्रामीण से, शहर से गोरखपुर सदर की बात की जाए सीट की, मेरे महाराज जी। महाराज जी, और प्रदेश का जो मुखिया होगा वो कौन होगा? अब जिसको बनाओ दीजिए, बस महाराज जी जीतेंगे शहर से। रीजन ये है कि मैं कलकत्ता स्टाफ हूँ, कलकत्ता साउथ ईस्टर्न रेलवे। इलेक्शन देने के लिए गोरखपुर आया हूँ क्योंकि आई विल फील। अच्छा, वोट देने आप गोरखपुर आए हैं? यस बढ़िया। हाँ, तो वहाँ पे ममता जी हैं, यहाँ पे मेरे महाराज जी होना चाहिए। क्यों, किस लिए पता नहीं, विकास के लिए। और हम कुछ और लोगों से चलेंगे, अब उनसे भी जानेंगे कि उनके मुताबिक 22 की रेस को कौन जीत रहा है। हमारे साथ कुछ युवा भाई भी हैं। अच्छा भाई, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम आशुतोष सरदारी है। आशुतोष, हमें ये बताएं कि आप युवा हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं आप? मैं बी कॉम थर्ड ईयर में पढ़ता हूँ। बी कॉम में पढ़ते हैं। अगर बात की जाए तो 2017 से अब 22 तक भाजपा की गवर्नमेंट रही, अगर बात की जाए रोजगार की तो इस पे आप क्या कहेंगे? जी, लोग कहते हैं यहाँ इस सरकार में रोजगार नहीं मिली, लेकिन हम लोगों को दिखाया जाता, हम युवाओं को दिखाया जाता है कि रोजगार मिली है। और इस सरकार में भ्रष्टाचार बंद हुआ है, भ्रष्टाचार एकदम पूर्ण ढंग से खत्म हो चुका है और गुंडा राज भी खत्म हो चुका है। पहले हम लोग निकलते थे रात में तो डरते थे थोड़ा, अब हम लोग निकलते तो एकदम खुले माइंड से निकलते हैं कि महाराज जी की सरकार है, यही सरकार आनी भी चाहिए और आगे भी यही सरकार रहे। मतलब आपके मुताबिक लॉ एंड ऑर्डर का स्तर काफी अच्छा हुआ है, लेकिन मेरा सवाल ये था कि रोजगार के अगर देखा जाए तो रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने कैसा काम किया है? रोजगार के क्षेत्र में सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है। हमारे घर में हमारी एक सिस्टर है, उसे खुद सरकारी नौकरी मिली हुई है, और एक हमारा भाई है वो टीचर बन चुका है, इस समय खैलाबाद में वो है। तो हमारे नजरिए से तो रोजगार मिला है, सबको मिला है, और लोगों को नजरिए तो मैं नहीं बता सकता फिर। जी तो भाई साहब के घर में रोजगार मिला है, वहीं इन्होंने बताया कि इनके परिवार में दो सदस्यों को रोजगार मिला है। तो आप क्या कहेंगे कि 2022 की जो रेस है वो कौन जीतते हुए दिख रहा है? वही जीतेगा जो झंडा के हित में काम करेगा। अच्छा, बात किया जाए तो रोजगार की, तो इस सरकार ने रोजगार के क्षेत्र में कैसा काम किया, इस पे आप क्या कहेंगे? रोजगार के क्षेत्र में कुछ नहीं काम किया। रोजगार के क्षेत्र में अगर काम करता तो ये रोजगार के मुद्दे पे चुनाव भी रहते हैं। इन्होंने जो ना विकास किया है, ना महंगाई पे कंट्रोल किया, जितने भी इनके नारे थे सब फ्लॉप हुए। इस कारण ये सिर्फ धार्मिक उन्माद पे चुनाव लड़ रहे हैं। कभी कभी 80-20 कहते हैं, कभी बुलडोजर की बात करते हैं, कभी गर्मी निकालने की बात करते हैं। मुद्दे की बात करिए ना, हम युवा हैं, हम युवा की आबादी उत्तर प्रदेश में 6.5 करोड़ है, 26% हिंदुस्तान समेत पूरे मुल्कों पूरी दुनिया में, और कितना रोजगार दिया है कि लाठी खा रहे रोजगार के नाम पर युवा, उनका परिवार कैसे पटेगा? आप कह रहे मुफ्त राशन दे दिया, लाभार्थी से आप वोट पा जाएंगे। लास्ट चुनाव आया। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम पढ़ाई करते हैं। क्या पढ़ाई करते हैं? एमकॉम। एमकॉम। आप अपना नाम से हैं तो गोरखपुर में क्या लग रहा है, विकास का स्तर क्या रहा है, यहाँ से मतदान आप करने वाले हैं? गोरखपुर क्योंकि सीएम का शहर है, और किसी भी सीएम जिस स्तर में सफाई में काम हुआ है उस स्तर पर गोरखपुर में काम नहीं हुआ है। जिस रोडों से सिर्फ मुख्यमंत्री जी को गुजरना होता है उस रोडों का तो काम हुआ है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए फर्टिलाइजर को अपने चालू करा दिया, फर्टिलाइजर में कितने लोगों को अपने रोजगार दिया? लोकल स्तर पर बात करिए, अपने चिड़ियाघर को कहते हैं, चिड़ियाघर पे क्या रोजगार दिया आपने? जानवर भूख से मर रहे हैं। आप रोजगार पे बात करिए ना, हमारा पेट 5 किलो राशन से नहीं बढ़ेगा। हमारे घर में 2 बहन शादी करना होगा तो जब रोजगार ही नहीं रहेगा, कमाई ही नहीं तो शादी कहाँ से करेंगे? हमारे पास जॉब नहीं रहेगी, हम अपने माँ बाप को बूढ़े माँ बाप को दवा दर्पण कहाँ से कराएंगे? यहाँ कुछ और युवा बैठे हैं, इनसे भी बात करेंगे। आप अपना नाम बता दे भाई। जी, नुमान मंजर। नुमान जी, अगर बात करें तो विपक्ष सुट्टा जानवरों को लेकर काफी तीखा हो रहा है और काफी उनका जो कलेवर है वो बढ़ता हुआ दिख रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे, छुट्टा जानवरों की समस्याओं पे?
समस्या का छुट्टा जानवर अगर है तो उसको जो है जो सरकार में है उसको जो क्या नाम है उसकी जो जगह है वहाँ पहुँचा दे, बस यही है। उसके मुताबिक उन्हें गौशाला में भिजवा दे। दिक्कत, हाँ गौशाला, दिक्कत तो बहुत बड़ी नहीं है छुट्टा जानवर की। अच्छा रोजगार पे क्या कहेंगे भाई आप? अच्छा आप नहीं बात करना चाहते, मुंह में कुछ है? ठीक ठीक कोई बात नहीं, रोजगार है हम लोग, कुछ रोजगार मिल जाए तो बढ़िया ही है। अच्छा जी, आप क्या कहेंगे रोजगार? पहले एजुकेशन तो कम्प्लीट हो जाए। क्या पढ़ाई कर रहे हैं आप? हम जो नहीं, मेरा ये कहने का मतलब है जो बच्चे हैं जिनकी शिक्षा होनी है उनके लिए सर्विस क्या है गवर्नमेंट की तरफ से, वो कम्प्लीट होनी चाहिए। फ्री एजुकेशन होना चाहिए बच्चों के लिए मेन टॉपिक। आपके मुताबिक फ्री एजुकेशन, ना कि छुट्टा जानवर, ना कि जॉब, एजुकेशन होगी तो जॉब। आपके मुताबिक शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार को पहले रखना चाहिए। तो मुझे कहना तो मैंने कह दिया, ये मेन टॉपिक है आज जी। तो कुछ और लोगों से बात करते हैं। अंकल आप अपना नाम बता दें। डॉक्टर प्रमोद पांडे। अच्छा ये बताएं कि अगर बात की जाए तो 2017 से 2022 तक तो गोरखपुर के अंदर में कितना बदलाव आया है? बहुत बदलाव आया है। कुछ बताएं। जितनी अच्छी रोड हो गई हैं, इतनी अच्छी पहले रोडें नहीं थी। एम्स यहाँ खुल गया, वेटनरी आयुष विश्वविद्यालय बनने जा रहा है, ये सब चीजें बहुत बड़ी बात होती हैं। और जहाँ तक लोग बेरोजगारी और महंगाई की बात कर रहे हैं, ये कोविड के समय में 2020 से लेकर 2022 तक पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था खराब है। महंगाई तो कोई रोक नहीं सकता है, ये महंगाई केवल हमारी नहीं प्रॉब्लम, ये पूरे संसार की समस्या है। और जहाँ तक बेरोजगारी, इसीलिए कि आर्थिक स्थिति हमारी ठप हो गई है तो किस तरह से हम रोजगार लोगों को दे पाएंगे। अच्छा। और सबसे बड़ी बात राष्ट्रहित की है, धारा 370 बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। हम केंद्रीय चुनाव के जब होंगे तब उस पर बात करेंगे, आप राज्य के लिए बात करें। वो भी हमारे लिए अहम, वो हमारे लिए अहम है। हम उसी पार्टी को देना चाहेंगे जो धारा 370 को। अच्छा विपक्ष कह रहा है कि जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र भाजपा ले आई थी उसमें 24 लाख रोजगार और 70 लाख स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने की बात की गई, तो इस पे आप क्या कहेंगे? वो रोजगार देखिए, वो तो हम नहीं जानते हैं, अगर हो सकता है लाई होगी। लेकिन सबसे बड़ी जो आप ये बताएं, जो 17 में चुनाव हुआ था तो कोई ये नहीं जानता था कि कोरोना आ जाएगा 2019-20 में। अब कोरोना और कोविड के नाते कितना प्रॉब्लम आई है आप समझ सकते हैं इस बात को। हम खा रहे हैं, पी रहे हैं नॉर्मल रूप से भी, तो भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं तो और देशों में क्या हाल हुआ है इसको भी आपको सोचना पड़ेगा जी। तो इस पार्ट मत देखिए किस तरह से देश चल रहा है। एक घर में अगर एक आदमी बीमार हो जाता है, एक गार्जियन अगर टीबी का मरीज हो जाता है तो क्या हाल होती है यहाँ पूरे जो देश ही और पूरा बिजनेस हमारा। अच्छा अभी दो चार दिन पहले अखिलेश यादव की तरफ से बयान आया था कि कोविड के टाइम व्यवस्थाएं अच्छी नहीं की गई राशन को छोड़कर, कि राशन पिछली सरकारों में बढ़ता रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए जहाँ तक कोविड की बात है, इस समय 2021 में सही प्रॉब्लम आई थी, लेकिन उससे महामारी के एकदम महामारी का रूप ले लिया था। गवर्नमेंट वो व्यवस्था उस समय नहीं थी, ऑक्सीजन की शॉर्टेज थी, हर चीज की शॉर्टेज थी। आप बताइए अगर हमारे जिले में केवल 2000 मरीज एडमिट हो सकते हैं और वहाँ 4000 की पोजीशन हो जाए तो किसी के लिए क्या संभालना मुश्किल आसान होगा? आपको लगता है कि जो चिकित्सा शिक्षा की सुविधाएं दी जाती है उसमें कुछ गुणवत्ता में सुधार करना चाहिए? इस समय चिकित्सा और शिक्षा की बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है, सत्य समझने क्या सरकारी स्कूलों का काया कलर पलट चुका? देखिये गोरख शिक्षक उसमें पहुंच चुके हैं जो जरूरत थी। देखिए गोरखपुर जिले में इस समय जो प्राइमरी पाठशाला है 50% स्कूल इस समय इंग्लिश मीडियम के चल रहे हैं, जो कि एक नई बात है। पता नहीं कोई कि इसके पहले जो सरकारें थी क्या ऐसा व्यवस्था हुआ था। और जो टीचर का अपॉइंटमेंट हुआ है, ए ग्रेड के टीचरों का अपॉइंटमेंट हुआ जो वास्तव में इस लायक थे। क्या कहेंगे आप? कोरोना की आपदा आई थी देश में तो इस कारण इसको ना देखें तो इनके स्वास्थ्य मंत्री 2017 में ही जब मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन लेवल कांड हुआ तो 63 लाख की बिल बकाया पे, तो उनके मंत्री का बयान शर्मनाक बयान था, अगस्त में बच्चे मरते ही हैं। आज कफील की बात करें, डॉक्टर कफील सबसे बड़ी डॉक्टर कफील कांड इसमें फंसे हैं और उसके विषय फंसे थे। 2017 में ऑक्सीजन कांड हुआ, 67 बच्चों ने दम तोड़ा, स्वास्थ्य मंत्री का बयान इनका था, शर्मनाक बयान था, अगस्त में बच्चे मरते ही हैं। आज वो स्वास्थ्य मंत्री चुनाव लड़ रहा है फिर से। खैर वो बात की बातें या कटाक्ष विकास की बात नहीं, मात मुद्दों की होना चाहिए। आप संकल्प आप चुनाव को के अंदर ढाल नहीं बना सकते हैं। आज जब दिल्ली में बढ़ रहा था कोरोना के समय में या उससे पहले जब केजरीवाल ने 200 यूनिट बिजली तो आप कहते हैं मुफ्तखोरी का डाल रहे हैं और आप उसी चुनाव पे कहते हैं कि हमने राशन दिया लाभार्थी। अगर बात की जाए तो इस बार के चुनाव में जो सभी दल हैं
समाजवादी पार्टी चाहे कांग्रेस चाहे आम आदमी पार्टी सभी के मैनिफेस्टो में मुफ्त खोरी है, उस पे क्या कहेंगे? अरे भाई मुफ्तखोरी क्यों, मुफ्तखोरी पे सरकार के नुमाइंदे पल रहे हैं, सांसद विधायक पलते हैं, हमारा टैक्स के पैसे से वो पलते हैं, हमें देना हमारा हक है, उनका राइट, वो अपने पैसे से दे रहे हैं, उनका बिजनेस है वो, ये कौन सी बात होती है? मुफ्तखोरी क्या होता है? हमारा टैक्स का पैसा वो संसद के जो पीए से लगा, ड्राइवर से लगा, जो पाते हैं वो, उनको जो आवास मिलता है, उनको जो रहने की जो सैलरी मिलती है, किसका पैसा रहता है आप बताइए ना? किसे मुफ्तखोरी क्या होती है? पीएम का खर्चा जनता की बात कर रहे हैं, आम जनता के पैसे से पल रहे, तो आम जनता के लिए जो स्कीमें ला रहे हैं वो आप एहसान नहीं कर रहे हैं, कोई भी गवर्नमेंट हो, चाहे स्टेट की हो चाहे केंद्र की हो। आपने 2021 फरवरी को टैक्स अभी लाया था ना, बजट क्या दिया आम जनता को? टैक्स लाइफ में 7 साल में मोदी सरकार ने कोई भी बदलाव नहीं लाया, मिल खाता महंगा हुआ है, आपने हीरे पे से टैक्स करा दिया, कॉर्पोरेट एक्साइज ड्यूटी को कम कर दिया, टैक्स को कम कर दिया, और आम मिडिल क्लास पे 7वां बजट आपने पेश किया और 1 रुपए की भी राहत नहीं दिया, और आप चचा बैठ के उसकी वाही कर रहे हैं। आपदा पूरे विश्व में, चाइना निकल गया, अमेरिका निकल गया, रूस हमला कर रहा है यूक्रेन पे, अब अपने छात्रों को नहीं ला पा रहे वहां से, छात्रों वीडियो बना रहे हैं। आज आपको एक जानकारी देना चाहेंगे कि आज यहां से बसें भेजी गई हैं, और उसकी बात की जा रही है जो विदेश मंत्री हैं, और ये मामला उत्तर प्रदेश के चुनाव में नहीं आना चाहिए। अगर बात करें जो उत्तर प्रदेश की जमीन से जुड़ी बातें हैं वो समस्या की बात की जाएंगी। जितना विकास आज हुआ है, ये जितना भी बोल रहे हैं, मैं पूरा उत्तर प्रदेश देख रहा हूँ, जितनी रोडें हैं सुनिए, जितनी रोडें हैं बहुत अच्छी बनी है, पहले की तुलना में रोडें बहुत अच्छी बनी है, प्राइमरी स्कूल के एजुकेशन बहुत अच्छे हुआ है, प्राइमरी स्कूल में एजुकेशन बहुत अच्छा हुआ, सुनिए 2017 के पहले इनकी तरफ से कहा जा रहा है 5 काम गिना, इनकी तरफ से कहा जा रहा है कि 5 काम गिना, इनका जो सोच है वो दूसरा सोच है, इनका एक नेता है अकेले प्रचार कर रहा है पूरे यूपी में, कहता है वन मैन पार्टी, आई डोंट लाइक सच टाइप, वन मैन पार्टी, जिस दिन वन मैन पार्टी हो जाएगा उस दिन मेरा वो आदमी जिस दिन शासन में आएगा वो डिक्टेटरशिप करेगा कि कोई सोच नहीं सकता। जबलपुर सीएम सिटी है ना, एक भी ब्रिज नहीं बना है, जिस रास्ते से एयरपोर्ट से लगाए गुजरना मंदिर तक वही रोड बनी है, नखा से लगाए तरंग, सूरज कुंड से लगाए, आपने एक भी ब्रिज नहीं बनाया, ये सब अखिलेश की सरकार, इससे पहले ही सरकार मायावती सरकार में बना, किसी सरकार पर कटाक्ष नहीं कर रहा, सीएम में काम इतना नहीं हुआ। और लोगों से बात करते हैं, आप क्या कहेंगे कि 2022 की रेस कौन जीत रहा है और गोरखपुर सदर की स्थिति क्या है? सदर की स्थिति बहुत सही है, यहाँ से भाजपा सरकार जीत रही है। और अगर बात की जाए तो ये शहरी क्षेत्र है, सरकार की तरफ से तमाम स्कीम चलाई जा रही है केंद्र सरकार की तरफ से, जिसको यहाँ पे बात की जा रही है कि आवास दिया जा रहा है, इज्जत घर दिया जा रहा है और ये राशन दिया जा रहा था, इन सब स्कीमों पे आप क्या सोचते हैं? स्कीम तो सारी मिलने लोगों को, इसमें क्या सोचते हैं, क्या सही लोगों को मिल रहा है, पात्र लोगों को मिल रहा है और सही ढंग से जमीन पे उतर पा रहा है? नहीं, जमीन पे उतर रहा, सही ढंग से मिल भी रहा लोगों को। अच्छा, विपक्ष रोजगार को लेकर सरकार को घेर रही है, इस पे क्या कहेंगे? वो तो घेरेगी भाई, विपक्ष का काम ही है घेरना। तो आपको लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में काम कैसा किया है, क्या लगता है आपको? काम तो हो रहा है रोजगार के, रोजगार के क्षेत्र में काम हो रहा है। अच्छा, युवा है, इनका विचार जानेंगे, रोजगार के क्षेत्र में आप क्या कहेंगे? युवा निराश है, युवा निराश है, जो निराश निराश है। आप देखिए, इतनी सारी चीजें हैं, अब शिक्षक भर्ती लटकी पड़ी है, चुनाव नजदीक आता है क्लियर हो जाता है, पेपर होते हैं एक रिजल्ट फंसा दिए जाते हैं, क्वेश्चन फंसा दिए जाते हैं। अच्छा, कुछ पेपर बताएं, कुछ रिजल्ट बताएं, कुछ पेपर और रिजल्ट बताएं। कुछ पेपर अभी हाल ही में पेपर हुआ है, उसमें जब आंसर की बात कर, नहीं हमारी वाइफ है उसमें, मेरे आंसर शीट आई, कुछ क्वेश्चन मिले, कुछ क्वेश्चन गलत हैं, आप उसको फंसा देते हैं। कौन से एग्जाम लेकर के? अभी यूपी टेट हुआ था, सीट टेट की बात, हाँ, जब आंसर शीट आई थी जी, उसमें मिलान करने पे कहीं कुछ फंस जा रहा है, कहीं कोई मतलब सही है, कहीं कुछ गलत है। आप क्या कह रहे हैं? सही है, हम कह रहे हैं गलत है, इस तरह से जो है चला जाता है मैटर, कोर्ट में लटका रह जाता है। आप क्या काम करते हैं? हमारा तो बिजनेस है। अच्छा, बिजनेस कैसा चल रहा है? बिजनेस पे आते हैं, हमारे लिए क्या किया गवर्नमेंट ने ये बताइए, हम बिजनेस हम आपसे जानने ले रहे हैं, हमारे लिए क्या दिया गवर्नमेंट ने, चलिए बता दीजिए, हमारे लिए क्या दिया गवर्नमेंट ने, आप बता दीजिए। क्या जीएसटी के आने से कुछ आपकी जो बिजनेस है उसमें बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं है। क्या फायदे हैं कुछ? गवर्नमेंट लेती चली जाती है टैक्स पे टैक्स, गवर्नमेंट स्लैब आए दिन साल दर साल स्लैब बढ़ता ही जा रहा है, पहले गवर्नमेंट 5 और 12 का टैक्स लगाती थी कपड़े में, अब फुल 12 कर दिया, जैसे जैसे राजस्व बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से टैक्स बढ़ाते चले जा रहे हैं, टैक्स बढ़ाइए लेकिन व्यापारियों के हक में भी तो कुछ आना चाहिए। अच्छा, ये बताएं, टैक्स देने के लिए है। अच्छा, हमें ये बताएं कि गोरखपुर सदर सीट से कौन जीता हुआ दिख रहा आपको? मिला जुला विचार है, सदर से तो खैर
ठीक है, शहरी क्षेत्र से तो खैर सीट निकली हुई है बाबा जी हमारे, उसमें तो कोई दाग नहीं है कहने में, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में अगर आप जाइएगा तो लोग निराश हैं, काम उस स्तर का गड्ढा मुक्त हुआ है। गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ है, गड्ढा मुक्त कहाँ हुआ, पैच डाल देने से गड्ढा मुक्त हो जाएगा सड़क? यहीं खड़े हैं, यहीं देख लीजिए ना, यहाँ बढ़िएगा चार कदम आगे देखिए गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे आपको। गड्ढा मुक्त कहाँ है, गड्ढा मुक्त केवल शहर गड्ढा मुक्त है। 22 की रेस कौन जीती है, 22 की जो रेस है सीएम की वो कौन जीती है? सीएम की रेस तो कोई है ही नहीं, सीएम की रेस कहाँ है, सीएम की रेस तो जीता हुआ है, 22 की रेस तो सीएम का जीता हुआ है, उसका कोई वो नहीं है, वो तो फाइनल सीट निकली हुई है, उसका कोई उसमें डाउट नहीं है। जी, कुछ भाई साहब से बेचार जानते हैं कि आपके मुताबिक अभी बात हो रही थी, अब छुट्टा जानवर पे आते हैं, छुट्टा जानवर को लेकर विपक्ष और तमाम जगह ये मामला मुद्दा उठा हुआ है, तो छुट्टा जानवर पे आपका, खैर ये शहरी क्षेत्र है लेकिन कहीं ना कहीं आपका गाँव से कनेक्शन होगा, तो आप क्या कहेंगे? ठीक है, पहले के अकॉर्डिंग कुछ कम हुए हैं छुट्टा पशु, लेकिन पूरी तरीके से नहीं कहा जाएगा, जिससे वृद्ध लोगों को बहुत दिक्कतें होती हैं, सड़क पे चलने पे, भाई छुट्टा जानवर है, सांड है, ये वो मार सकते हैं, उन लोगों को सवेरे वॉक करते हैं, उन लोगों के लिए बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो इस चीज को कंट्रोल करना चाहिए, गंदगी को लेकर के, छुट्टा पशुओं को लेकर के। छुट्टा पशु क्या खाते हैं, आखिर गंदा ही चीज खाते हैं, उनके हटाने से, उनको अरे बाड़ा वगैरह में रखने से वो बढ़ेंगे ही, अच्छे स्वस्थ होंगे, खराब नहीं, उस चीज को लेकर के उस पर ध्यान देनी चाहिए सरकार को। तो आइए हिमांशु जी आगे चलते हैं और कुछ अन्य लोगों का विचार जानते हैं कि उनके मुताबिक 22 की रेस कौन जीतेगा, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की जो ये हॉट सीट है, जो गोरखपुर सदर सीट है, वहां से कौन निकल रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, गोरखपुर सदर से तो योगी आदित्यनाथ का, चूंकि यहां पे दबदबा रहा गढ़ है, तो यहां पे लड़ाई उस तरह की दिख नहीं रही है। हालांकि ग्रामीण क्षेत्र में आप देखिए तो बिपिन सिंह और विजय बहादुर के बीच में कुछ लड़ाई है, लड़ाई मुद्दों की है या विचारधारा की। तो हमारे साथ कुछ युवा पीछे खड़े हैं, इनसे बात करते हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा, हाँ, आपसे बात हो चुकी है, साथ ही साथ हम आइए अंदर चलते हैं। ये अभी हम इस वक्त इंदिरा बाल विहार में है, जो खास कर यहाँ का फूड कोर्ट जो है, गोरखपुर के जो महत्वपूर्ण फूड कोर्ट है उसमें से एक है। क्या नाम पड़ेगा आपका? संतोष पांडे। अच्छा संतोष जी, 2022 की जो चुनाव है वो किसकी सरकार बनते हुए दिख रही है आपको? योगी बाबा की। आप क्या काम करते हैं? हम सिंह बर्गर में काम करते हैं। सिंह बर्गर में कैसा धंधा चल रहा है? कोविड के बाद तो काफी दिक्कतें आई, तो अब कैसा चल रहा है आपका जिंदगी और धंधा? दोनों सही चल रहा है, लॉकडाउन में भी चल रहा था, इस समय भी चल रहा है। अच्छा, जो अगली सरकार होगी, चाहे जो सरकार हो, उससे क्या आशा अपेक्षा रखते हैं आप? वो तो आने पे समय पे बात होगी, आने वाले समय बात होगी। आप अपना नाम बता दें। रंजीत कुमार है, मैं सिंह बर्गर जॉब करता हूँ। कैसा काम चल रहा है आपका? बहुत बढ़िया चल रहा है, मोदी जी के राज में बहुत बढ़िया चल रहा है, मुलायम सिंह के राज में दिया तेरे हाथ में। अच्छा, अभी पीछे कुछ लोग बता रहे थे कि छुट्टा जानवर समस्या है, उस पर आप क्या कहेंगे? छुट्टा जानवर वो तो अपनी अपनी समस्या है ना, जिसको जो पाला क्षेत्रों में खासकर जो पाला है उसको समझदार जॉइंट करना चाहिए ना, उसको खुद करना चाहिए। आइए एंगल से बात करते हैं, आप अपना नाम बता दें। अनुपम जी। अनुपम जी, आपके मुताबिक जो 2022 की रेस है वो कौन जीतते हुए दिख रहा है? आपको संशय है क्या? नहीं, हम आपकी विचार जानेंगे, क्योंकि हम एक माध्यम है और उसी माध्यम के तौर पर। कोई संशय नहीं होना चाहिए, जो माफियाओं से मुक्त कराया, जो विकास कार्य कराया, वही आएगा। अब कुछ कहने की जरूरत तो नहीं रह गई ना। अभी पीछे कुछ लोग कह रहे थे कि सरकार में खासकर युवाओं के लिए निकाम हुआ है, तो आप श्रेष्ठ है, आपके मुताबिक क्या लगता है? अब उन लोगों को अपने चश्मे के नंबर बदल लेने चाहिए। देखिए, सरकारी नौकरियां बहुत नहीं रहेंगी आने वाले समय में, सरकारी नौकरियां ये बाजारवादी व्यवस्था जो मनमोहन सिंह लाए हैं वही डेवलपमेंट का मेन आधार है। ठीक, ये बाजारवादी व्यवस्था है, पूंजीवाद का। यहाँ पे जब तक इंडस्ट्रीज नहीं आएंगे, कानून व्यवस्था ठीक हुई, इंडस्ट्रीज पैसे लगाने लगे, अपने आप ही खत्म हो जाएगा, थोड़ा समय लगेगा। इस सरकार को केवल 3 साल काम करने को मिला है, 2 साल कोरोना ले गई। ठीक, 2 साल कोरोना ले गई। आज मैं अपने शहर की बात कर रहा हूँ, गैलेंट करके एक फैक्ट्री है सरिया की, आज वहाँ उन्होंने अपना प्रोजेक्ट रोक रखा था,
योगी सरकार आई, उन्होंने अपना उसमें उस प्रोजेक्ट में 700 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया। एक उन्होंने सीमेंट फैक्ट्री डाली है। तो जब इंडस्ट्री कानून व्यवस्था आप भी जानते होंगे, जब वो सही रहेगा तो तभी इंडस्ट्रीज के पैसे लगेंगे और रोजगार तभी आएगा। सरकार के भरोसे रोजगार नहीं आएगा जी। सर अभी कुछ दूर पहले ही बाहर कुछ युवा थे, उन्होंने रोजगार पे उठाया बात कि रोजगार तो नहीं मिला है और टीचिंग का जो भी है उस पर भी नहीं हो रहा है, तो इस पे क्या है, लगता है कि सरकार कैसे रोजगार के लिए बढ़ावा करेगी? मैं आपसे फिर कहा, जिस प्रदेश में कानून व्यवस्था सही रहती है उस प्रदेश में हमें वही रोजगार आता है। कर्नाटका में क्यों रोजगार था, आंध्रा में क्यों है, तमिलनाडु में क्यों है, क्योंकि कानून व्यवस्था सही रहते हैं। उत्तर प्रदेश हमेशा माफियाओं के चंगुल में रहा पिछले कई सालों से, करेक्ट। कानून व्यवस्था, मैं ही कैंट थाने के पास का रहने वाला हूँ, पिछली सरकार में या जब भी वो सरकार आती है वो सफेद पैंट शर्ट और लग्जरी गाड़ियां हमारे कैंट थाने से लेके हम निकल नहीं पाते हैं। डीआईजी बंगले तक अधिकारी है, पीछे एक जो है कचहरी का गेट है, लग्जरी गाड़ियां पैंट शर्ट पहने हुए सफेद चमचमाती आधी रिवाल्वर बाहर, ये वहां के जो रहने वाले लोग होंगे जानते होंगे। आज वो लोग कहां गायब है? तो क्या भयमुक्त बिल्कुल है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मैं एक सामान्य तबका वाला हूं, अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं। हमें चाहिए सिर्फ और सिर्फ सुरक्षा, अगर सुरक्षा है तो हम अपना कमा खा लेंगे। ये तो लोगों के बहाने नहीं है, रोजगार पैर ढूंढना पड़ेगा, रोजगार देखना पड़ेगा। मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर हूँ, 92 पास आउट, बीटेक मैकेनिकल हूँ, अपना करियर हीरो होंडा जैसे करियर कंपनी से शुरू किया हूँ। रोजगार मेरा चला गया कोरोना काल की वजह से, तो आदमी को सोचना पड़ेगा ना क्या करें। मैं भी तो रोना रोता, एक छोटा सा सेटअप लगाया, अभी चालू किया एक छोटा सा सेटअप अपने लखनऊ में, इंडस्ट्री लगाया बोतल बंद पानी की। आदमी को सोचना पड़ेगा हम क्या करें, सरकार आपको आके काम नहीं देगी। ये हमारे पास रोजगार नहीं है, ये हमारा रोजगार नहीं है, आप देखें रोजगार कहाँ नहीं है। मतलब आपके मुताबिक 100 रोजगार के अवसर आने चाहिए, जिसमें तो क्या इसमें सरकार का भी कुछ योगदान होना चाहिए, जैसे कौशल विकास योजना केंद्र सरकार की तरफ से चलती है जिसमें तकनीकी चीजें सिखाई जाती है, तो क्या ऐसे केंद्र और खोलने चाहिए? जी हाँ सर, उस पर अच्छा काम होना चाहिए। जो आपने कहा सरकार को सोचना चाहिए, सरकार ने सोचा है वो मुद्रा लोन दे रही है, तरुण है, शिशु है, और एक तीन योजनाएं हैं सरकार की, 50,000 से लेके और 50 लाख तक के लोन है, वो सरकार ही तो दे रही है। अब आप केवल चाहेंगे कि नहीं सरकार आपके घर तक पहुंच जाए, जैसे भाई साहब ने कहा कोरोना काल में मेरी नौकरी चली गई और 92 के पास आउट हैं, वो नौकरी कर रहे थे ना, अब वो कहें कि योगी की सरकार है और मैं नौकरी नहीं हूँ, कैसे? उन्होंने कहा मैंने अपना सेटअप डाला। इसी तरह करना पड़ेगा, ठीक है, उनके पास पूंजी है वो कर लेंगे, जिसके पास पूंजी नहीं है उसमें सरकार क्या कहना चाहे, यही आपने कहा ना, उसी के लिए सरकार ने इनको लोन दे रहा है, 50,000 भी दे रहा है, 50,000 में ठीक ठाक एक ठेले की दुकान लग सकती है। अच्छा, अगर बात की जाए तो जो अगली सरकार होगी, चाहे जिसकी सरकार हो, अगर बात की जाए गोरखपुर सदर में, तो क्या विकास कार्य किए गए हैं और किसमें चूक रही है जो आगे किया जा सकते हैं? ऐसा कोई कार्य ही नहीं बचा है कि जो गोरखपुर शहर विधानसभा में कोई कार्य ना हुआ। अमीर को लेकर हम कह रहे हैं, 9 विधानसभाओं की बात करें, सारे जगह आप कहीं का भी काम उठा लीजिए, हर जगह आपको दिखाई देगा। चिड़ियाघर ले लीजिए, नौकायान ले लीजिए, एम्स ले लीजिए, फर्टिलाइजर ले लीजिए। क्या फर्टिलाइजर इसके पूर्ववर्ती सरकारों में बंद नहीं था? वो उस समय नहीं चालू हो सकता था, क्यों भाजपा के सरकार में, इस सरकार में क्यों वो चालू हुआ? क्योंकि वो काम करने वाली सरकार है। ऐसा कोई था क्या किसी सरकार में जो इस तरीके की आदमी को वो काम किया हो? पूर्ववर्ती सरकारों में क्या होता था? केवल गुंडे माफियों का राज था। आज के सरकार में कहीं दिखाई दे रहा है? विपक्ष धनंजय सिंह को लेकर काफी तेवर में रहता है कि धनंजय सिंह माफिया घूम रहा है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, माफिया जो हैं वो आप भी जान रहे हैं कि इस समय अंडरग्राउंड है या तो और जो बचे या समाजवादी की सूची में है, क्योंकि इत्र वाले किसके मित्र हैं ये सब कोई जान रहा है, किसके पास कहां से कितना पैसा आया। अच्छा, क्या गड्ढा मुक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश? एकदम इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप कोई भी रोड देख लीजिए, गड्ढा मुक्त हो चुका है। क्या इसके पहले जो ये रोडे आपको गोरखनाथ में इतनी जाम लगती थी, आज देखिए आपको तुरंत, आप कहीं भी मेडिकल कॉलेज की तरफ भी आप चले जाइए, नौसर ले लीजिए, 4 लेन आपका बन रहा है, 4 लेन से 6 लेन हो रहा है इस समय जो है।
देवरिया ले लीजिए, तारामंडल वाला रोड देख लीजिए, जो भी नौकायान का हर एक चीज, तरकुलानी रेगुलेटरी पंप जो है जहाँ बाढ़ से लोग ग्रस्त रहते थे, लेकिन आज के डेट में वहाँ पे पानी का कोई जल जमाव नहीं है। क्या कहेंगे आप हिमांशु जी इस पे? देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि एक चीज तो सही है कि एक समय था कि गोरखपुर में कभी भी गोली चल जाती थी, कभी भी हत्या हो जाती थी, राह चलते यहाँ इतिहास रहा है कि AK-47 भी चली है यहाँ से माफिया। लेकिन योगी राज में हाँ ये है कि सांसद बनने के बाद ही उन्होंने यहाँ कंट्रोल किया हुआ था, और शहर का तो विकास हुआ है, लेकिन अब हावड़ बन रहा है वो तो पहले से ही है बहरा, लेकिन चौड़ा हुआ है पहले से उसका हाँ सौंदर्यीकरण हो रहा है, चौड़ीकरण हो रहा है जो कल ऐसे तक जाएगा। अब देखना यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की बात है तो ग्रामीण में बहुत अच्छी सड़कें नहीं है, गड्ढा मुक्त नहीं है, अक्सर जगह गड्ढे हैं जो आज भी पाए जाते हैं, उन पे सुधार करने की जरूरत है। अब अन्य लोग से भी देखते हैं। अच्छा एक सवाल आखिरी और रखेंगे, विपक्ष छुट्टा जानवरों पे काफी तेवर अपना गर्म करके हर दिन अपमंच से छुट्टा जानवरों पे सवाल कर रहा है, इस पे क्या कहेंगे आप? अध्यक्ष जी बताइए छुट्टा जानवरों पे, छुट्टा जानवर पहले जो कर, जैसे ये लोग कह रहे हैं छुट्टा जानवर, इनके पास कोई वो एजेंडा तो है नहीं, ये लाइट पे बात नहीं कर सकते हैं। इनकी 2012 से 2017 की सरकार थी, लाइट कहाँ थी गोरखपुर में? और अभी कुछ लोगों का ये भी कहना है कि महाराज जी गोरखपुर के हैं तो केवल गोरखपुर में बिजली, ऐसा नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश में बिजली महाराज जी ने आँख मूंद के केवल गोरखपुर को नहीं दिया, आवास महाराज जी ने आँख मूंद के केवल गोरखपुर, पूरे यूपी में इनकी सरकार जब थी तो पूरे उत्तर प्रदेश में 11,000 आवास इन्होंने दिया था, अभी केवल गोरखपुर में 32,000 आवास केवल और केवल गोरखपुर शहर में बने हैं, उसमें ग्रामीण भी है और क्या नाम है शहर विधानसभा भी है। ये पूरे यूपी को 11,000 आवास देते हैं और हमारे महाराज जी केवल गोरखपुर जिले को 32,000 आवास देते हैं। लाइट पहले सारे काम अंधेरे में होते थे, लाइट जाती थी आती नहीं थी, अभी लाइट जाती ही नहीं है, केवल लाइट रहती है। ये मैं नहीं, कितने घंटे बिजली रहती है गोरखपुर? गोरखपुर में कम से कम 23 घंटा, लोकल फॉल्ट नहीं होगा बिजली नहीं कटेगी। या सर जी तो इस वक्त हम मौजूद थे गोरखपुर की हॉट सीट गोरखपुर सदर में, जहां साफ तौर पे अगर देखें तो जो लोगों का विचार है वो मिला जुला है, वहीं अगर बात की जाए तो इस ये जो सीट है ये भाजपा की गढ़ रही है और यहां से राधा मोहन दास अग्रवाल जीतते हुए आ रहे हैं। अब अगर बात की जाए 2022 विधानसभा की तो आने वाले 10 मार्च को इसका नतीजा आएगा। कैमरामैन दीपक के साथ विभांशु और संयुक्त रूप से मेरे साथ हिमांशु श्रीवास्तव जी, प्राइम टीवी। तो आपने जाना कि जनता का क्या है चुनावी मूड, कुछ लोग तो सरकार के काम से काफी खुश नजर आ रहे हैं तो वहीं कुछ लोग चाहते हैं परिवर्तन। तो आखिर परिवर्तन होगा 2022 में या फिर सत्ता फिर से दोहराई जाएगी, ये वक्त बताएगा। लेकिन अभी जनता की क्या राय है ये जानने के लिए देखते रहिए प्राइम पब्लिक और सरकार।